पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य पर उनके पति और एक पत्नी एक और बड़ा इल्जाम लगाया। उनका आरोप है कि ज्योति मौर्य ने उनकी हत्या करवाने के लिए अपने भाई को उनके पीछे लगा रखा है, जो उन्हें मारने की फिराक में। मतलब एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच छिड़ा घमासान अब हत्या की साजिश रचने जैसे आरोप तक पहुंच गया। जबकि कुछ रोज पहले आलोक मौर्य ने पत्नी ज्योति पर एसडीएम बनने के बाद उनसे रिश्ता तोड़ने का आरोप लगाया था। बाद में उन्होंने ज्योति मौर्य पर रिश्वत लेने का भी आरोप मढ़ा। और अब आलोक मौर्य का आरोप है कि उनकी पत्नी उनकी हत्या करवाना चाहती हैं, जिसके लिए उन्होंने अपने भाई को उनके पीछे लगा रखा है। उनका भाई सचिन मौर्य मेरे पीछे लगा हुआ, मेरे घर के आगे पीछे रहता है, बंदूक लेके घूम रहा है। आलोक मौर्य का ये भी आरोप है कि सचिन मौर्य लगातार उनका पीछा कर रहे हैं और कभी भी उन पर हमला कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने यूपी के प्रयागराज में इसकी रिपोर्ट तक दर्ज करा दी। आलोक मौर्य ने भी दावा किया कि उनकी पत्नी ज्योति मौर्य के किसी दूसरे आदमी के साथ अवैध संबंध है, जिसकी वजह से वो उनसे पीछा छुड़ाना चाहती। आरोप है कि अवैध संबंधों की वजह से ही एसडीएम ज्योति उनसे अलग हो गई। आलोक मौर्य का कहना है कि बरेली में तैनात ज्योति मौर्य हर हाल में उनसे पीछा छुड़ाना चाहती है। जबकि उनका दावा है कि उन्होंने ज्योति मौर्य को पढ़ा लिखा कर अपने दम पर पीसीएस अधिकारी बनाया। आलोक मौर्य के मुताबिक 2020 तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन इसी दौरान उनकी सोशल मीडिया पर किसी के साथ दोस्ती हो गई। आलोक का दावा है कि उस आदमी के साथ उनकी पत्नी ज्योति मौर्य के अवैध संबंध है। उनका अवैध संबंध है, मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास को पकड़ लिया था। आलोक मौर्य का ये भी कहना है कि जब उन्होंने इसका विरोध किया तो ज्योति मौर्य उन्हें धमकाने लगी और फिर थोड़े ही दिनों बाद उन्होंने कोर्ट में उनसे तलाक लेने के लिए अर्जी तक दे दी। आलोक मौर्य ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी किसी भी सूरत में उन्हें सड़क पर लाना चाहती हैं, जिसके लिए वो उन्हें नौकरी से हटवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश में जुटी। ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में पंचायती राज विभाग में कर्मचारी हैं। लेकिन आलोक मौर्य का आरोप है कि उनकी पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य उनकी नौकरी छीनने में जुटी हैं। आरोप है कि उन्हें नौकरी से हटवाने के लिए वो बार बार जिला पंचायत अधिकारी से उनकी शिकायत कर रही हैं। आलोक मौर्य का ये भी आरोप है कि ज्योति अपने पद का गलत इस्तेमाल कर जिला पंचायत अधिकारी पर दबाव बना रही हैं, ताकि किसी भी तरह से उनकी नौकरी चली जाए। ज्योति मौर्य अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मेरे जिला पंचायत अधिकारी राज अधिकारी जो कि सर बहुत ईमानदार अधिकारी हैं, उनसे बार बार शिकायत कर रही है कि इनको बर्खास्त कर दीजिए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ज्योति मौर्य उनके परिवार के लोगों को भी परेशान करने में जुटी हैं, जिसके लिए वो हर तरह के हथकंडे अपना रही हैं। इधर राजस्थान के श्री गंगानगर में एक नहर में मिले 15 बमों को सेना के बम निरोधक दस्ते ने नष्ट कर दिया। लेकिन जैसे ही बमों को नष्ट किया गया, वहाँ पूरा इलाका तेज धमाके से थर्रा उठा। उस नहर में साफ सफाई के दौरान 15 बम बरामद किए गए, लेकिन तुरंत उन्हें बम निरोधक दस्ते की मदद से नष्ट कर दिया गया। जैसे ही बम में विस्फोट हुआ, बाद तेज धमाके के साथ आसमान में चारों तरफ धूल और धुएं का गुब्बार उठता दिखाई दिया। काफी दूर तक आसमान में धुएं का गुब्बार फैल गया, जिसे देखकर लोग खौफ में आ गए। इस बीच बिहार की मुजफ्फरपुर की रेलवे पुलिस ने हथियारों के जखीरे के साथ दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि उनमें एक को हथियारों के साथ पकड़ा गया, जबकि उसका दूसरा साथी पूछताछ के बाद यूपी के गोरखपुर से गिरफ्तार किया गया, जिससे वो हथियारों का जखीरा लेकर मुजफ्फरपुर पहुंचा था। तभी रेलवे पुलिस ने उसे हाजीपुर रेलवे स्टेशन के ओवर ब्रिज से एक बैग के साथ गिरफ्तार कर लिया, जिसमें पुलिस को 21 आधे बने हुए अवैध हथियार और इतनी ही संख्या में हथियार बनाने का सामान भी मिला। जिसके बाद पुलिस ने पूछताछ के आधार पर गोरखपुर से हथियार बनाने वाले उसके साथी को भी गिरफ्तार कर लिया। तक समझ में आया है कि एक अंतर्राज्यीय गिरोह हो सकता है। पुलिस ने आशंका जताई कि उनके तार कई राज्यों तक फैले हो सकते हैं, इसलिए अब वो पकड़े गए हथियार तस्करों के नेटवर्क को तलाशने में जुट गई।